हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल राधा माधव कलेक्शन कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे तो देखिए फ्रेंड्स आज हम कान्हा जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर दिखाती हूँ मैंने यहाँ पे देखिए कान्हा जी को ले लिया है और इस तरीके से हमें चोली पहनानी है पीछे की तरफ से हम चोली को सेट कर लेंगे और आगे से अब नैपी ले जाएंगे और चोली के ऊपर रखते हुए हमने ये जो डोरी लगाई है इसको बांध देंगे ये ड्रेस मैंने सभी नंबर के कान्हा जी के लिए बनाना बताया है तो आपके कान्हा जी किसी नंबर के हों आप उनके लिए ये ड्रेस बनाकर बहुत आसानी से गर्मी में पहना सकते हैं और अस्तर के फैब्रिक से बनी हुई ड्रेस है तो कान्हा जी को गर्मी भी नहीं लगेगी और लुक भी बहुत अच्छा आएगा तो देखिए फ्रेंड्स मैंने कान्हा जी को ये सुंदर सी ड्रेस बनाई है और आप देख सकते हैं मैं कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं इसका लुक बहुत अच्छा आया है और मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना और कान्हा जी को पहनाना भी बताया है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखेगा जैसे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदिकलचुरू सिक्स एट साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें तो चलिए फ्रेंड्स अब हम ये खूबसूरत कान्हा जी की न्यू डिजाइन समर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ के के दो पीस कट कर लिया है कपड़ा यूज किया है क्योंकि हम कान्हा जी की समर स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं और गर्मी में अस्तर के कपड़े से बनी हुई ड्रेसेस कान्हा जी के लिए बहुत ज्यादा आरामदायक होती है क्योंकि ये प्योर कॉटन होता है साथ ही साथ बहुत हल्का भी होता है आप देख सकते हैं आरपा बार झलकता है तो इसी बनी हुई जो ड्रेस है वो कान्हा जी के लिए आरामदायक रहेगी गर्मियों में पर आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरा कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं या फिर रेन का कपड़ा भी ले सकते हैं आप मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ तो इसकी देखिए यहाँ से और यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है वो सिक्स इंच यानी कि छः इंच रखी है मैंने और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने डेढ़ इंच यानी कि 1.5 इंच रखी है दोनों ही पीसेस का मेजरमेंट मैंने एकदम बराबर रखा है अब ये जो ड्रेस है वो दो नंबर के कान्हा जी का मेजरमेंट है तो मैं आपको जीरो से लेकर के दस नंबर तक के कान्हा जी के लिए मेजरमेंट बता देती हूँ यहां पर मैंने देखिए लिख कर रखा हुआ है जीरो नंबर कान्हा जी के लिए फोर इंच की लंबाई होगी वन नंबर कान्हा जी के लिए फाइव इंच की लंबाई होगी टू नंबर कान्हा जी के लिए सिक्स इंच की लंबाई होगी थ्री नंबर कान्हा जी के लिए कपड़े की लंबाई सेवन इंच होगी फोर नंबर कान्हा जी के लिए एट

सिक्स सेवन और एट नंबर कानाजी के लिए थ्री पॉइंट फाइव यानी कि साढ़े तीन इंच की चौड़ाई होगी और नाइन और टेन नंबर कानाजी के लिए फोर इंच यानी कि चार इंच की चौड़ाई होगी तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ अब हमें इन दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक करते हुए रखना है एकदम बराबर करके रखेंगे हम और डेढ़ इंच है तो ऐसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे जिससे हमें सेंटर पता चलेगा और सेंटर में हम मार्किंग भी कर लेंगे और ओपन करेंगे तो ये सेंटर है अब हमें यहीं से मेजर करना है और तीन इंच पे मार्किंग करनी है तो ये जो हमने सेंटर में मार्किंग की थी यहीं से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे आप चाहें तो स्केल का यूज भी कर सकते हैं एकदम सीधी लाइन बीचों बीच में होनी चाहिए अब ये जो हमने निशान बनाया है इसी पे हम इसको सिलाई लगाकर यहां से यहां तक ज्वाइंट करेंगे यहां से यहां तक सिलाई लगाकर ज्वाइंट करने के बाद अब देखिए ऊपर की तरफ से हमें सिर्फ एक बार ऐसे फोल्ड करना है और इस पे यहां से यहां तक सिलाई लगानी है सेम ऐसे ही ये जो दूसरी साइड है इस पर भी हम सिर्फ एक बार फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे जिससे कि ऊपर से ये लॉक हो जाए और कटिंग वाली जो साइड है वो दिखाई ना दे तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ऊपर से भी फोल्ड करके सिलाई लगा ली है अब ये जो ऊपर वाला पीस है इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे वाले पीस को इधर की तरफ फोल्ड करेंगे एकदम बराबर करके हमें रखना है ऊपर से देखिए ये ऐसे खुला हुआ है और नीचे से ये जॉइंट है अब हमें किनारे से भी फोल्ड करके सिलाई लगानी है तो एकदम पतला सा हम फोल्ड करेंगे बहुत ज़्यादा चौड़ा हमें फोल्ड नहीं करना है नीचे वाले पीस को भी फोल्ड करेंगे और जो ऊपर वाला पीस है इसको भी फोल्ड करेंगे दोनों ही पीसेस को फोल्ड करते हुए हमें एक के ऊपर एक करके रखना है और सिलाई लगाकर नीचे तक ज्वाइंट करना है सेम ऐसे ही इधर की तरफ से भी एक बार हम नीचे वाला पीस फोल्ड करेंगे फिर एक बार हम ऊपर वाला पीस फोल्ड करेंगे और इन दोनों को एक के ऊपर एक करके रखते हुए सिलाई लगाकर पट्टी तैयार कर ले मैंने देखिए दोनों तरफ से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली और आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा अब हमें इसमें नीचे की तरफ से डोरी लगानी है तो मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की रेडीमेड डोरी में से एक पीस कट कर लिया है आप चाहें तो खुद से डोरी बनाकर भी लगा सकते हैं ऐसे हम डोरी रखेंगे और सिर्फ एक बार फोल्ड करते हुए इस पे हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अच्छे से जॉइंट हो जाना चाहिए नहीं तो कान्हा जी की ड्रेस ख़राब हो जाती है तो डोरी को हम एकदम सेंटर में रखते हुए और लॉक कर लेंगे सिलाई लगाने के बाद डोरी देखिए यहीं पे ज्वाइंट हो गई है अब ये इधर उधर खिसकेगी नहीं काना जी की ड्रेस बनकर तो बिल्कुल तैयार है पर ये काफी सिंपल लग रही है तो हम इसको नया लुक देंगे उसके लिए मैं इसमें बो बनाकर लगाऊंगी तो वो बो बनाने के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक से पीस कट किया है और इसकी देखिए जो चौड़ाई है वो साढ़े इंच यानी थ्री इंच है और जो लंबाई है वो ढाई इंच यानी कि टू इंच है अब ये जो बो हम बना रहे हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ड्रेस में अगर आप छोटा बो चाहते तो फिर उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ही रखें साढ़े तीन इंच की लंबाई रखें और अगर आप वो बड़ा बनाना चाहते हैं तो साढ़े तीन की जगह पे साढ़े चार या पांच इंच की चौड़ाई रख सकते हैं और इसकी जो मैंने लंबाई ढाई इंच रखी है वो आप साढ़े तीन या चार इंच भी रख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है एक तरफ से खुला छोड़ देना है जिसे कि हम इसको पलट सीधा कर सके तीन तरफ से मैंने देखिए सिलाई लगा ली है अब ये जो कॉर्नर है इसमें हम एक कट लगाएंगे ध्यान रखेंगे सिलाई नहीं कटनी चाहिए कट लगाने की वजह से जब हम इसको पलटेंगे तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी एक तरफ से हमने इसको खुला छोड़ा है तो यहीं से हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी काफी चौड़ी पट्टी है तो आसानी से हम इसको पलट पाएंगे सीधा करने के बाद देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा इधर से जो ओपन वाली साइड है यहां से हमें पतला पतला सा अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है बहुत ज्यादा चौड़ा हम फोल्ड नहीं करेंगे पतला सा ही फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा आप चाहें तो इसको सिलाई लगाकर अभी ही ज्वाइंट कर सकते हैं पर मैं लेस के साथ साथ ही सिलाई लगाऊंगी जिससे कि ये किनारे से लॉक भी हो जाएगा और लेस भी लग जाएगी तो लेस के लिए मैंने देखिए यहाँ पे ये व्हाइट कलर की थ्रेड लेस ले लिया आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लेस है और मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगी पर आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई भी दूसरी लेस भी लगा सकते हैं ये जो थ्रेड लेस होती है ना ये काफी सस्ती आती है दो से तीन रुपए मीटर मिलती है और अगर आप व्हाइट कलर की थ्रेड लेस लेते हैं तो किसी भी कलर के कपड़े के साथ इसका कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप व्हाइट कलर की थ्रेडलेस एक जरूर रखें अगर आप कान्हा जी की पोशाक बनाते रहते हैं तो अब हम क्या करेंगे जिधर से देखिए हमें सिलाई लगानी है उधर से ही हम पहले ही रखेंगे और इसमें चारों तरफ से ये लेस लगा लेंगे चारों तरफ से मैंने देखिए इसमें लेस लगा लिया साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सुई धागा ले लिया है डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी अब यहाँ सेंटर में एकदम देखिए बीचों बीच में हमें इसको टक करना है छोटे छोटे से हम टाके लगाएंगे टक करने के बाद हमें खींच के इसको यहीं पे लॉक करना है लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत सा बो बनकर तैयार है अब यहाँ सेंटर में आप चाहे तो कोई मोती लगा सकते हैं या फिर आप इसी तरीके से इसको छोड़ सकते हैं पर मेरे पास ये लेस है फ्लावर वाली ये भी थ्रेड लेस ही है तो इसमें से मैं सिर्फ एक फ्लावर ऐसे कट कर लूंगी और कट करने के बाद ये जो फ्लावर है ना ये मैं यहाँ पे सेंटर में लगा दूंगी जैसे कि ये और भी ज्यादा सुंदर लगेगा ये देखिए। फ्लावर भी मैंने लगा दिया अब हमें ड्रेस लेनी है और ड्रेस के यहाँ जहां से हमने डोरी लगाई है वहां पे रखना है इसको और सुई धागे से ही टक करके इसको जॉइंट कर लेना है सुई धागे से टक करके मैंने देखिए बो को ड्रेस में जॉइंट कर लिया है और अब हमारे कान्हा जी की बहुत ही सुंदर सी समर स्पेशल ड्रेस बनकर भी बिल्कुल तैयार है तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग